सो हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज। आज वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, आप वॉलपेपर देखकर यानी कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जो वॉलपेपर चल रहा है इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ गाइज, आज की वीडियो होने वाली वॉलपेपर को लेकर। गाइज आज की इस वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके थ्रू हम अच्छे अच्छे वॉलपेपर अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगा सकते हैं। जी गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर एक स्क्रीन पर मेरा एक वॉलपेपर देख रहे होंगे, इससे अच्छे अच्छे वॉलपेपर हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे और किस तरह से वो करेंगे वो आज की वीडियो में आपको चर्चा करने वाले। किसी तो वह ट्रेलर में अच्छे अच्छे वॉलपेपर लगा आपको बता देता हूँ जो कि हमारे इस एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं, जो कि गाइज हमारी एप्लीकेशन है कूल वॉलपेपर, जो कि आपको इस तरीके से देखने मिलेगा। इसका इंटरफेस इस तरीके का आई एम थिंक यानी कि गाइज यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउनलोड होगी। एडवर्टाइज को हमको कट कर देना है। एडवर्टाइज को कट करने के बाद सेट वॉलपेपर पर गाइज जैसे कि हम क्लिक करेंगे तो कुछ वॉलपेपर्स हमारे सामने दिखाई देंगे जो कि हम कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। गाइज जैसे कि यहाँ पर मैं फिश का आपको दिखा रहा था जो कि हमने लगाया हुआ, वो यहाँ पर ये दिख रहा है। गाइज कुछ और लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, जैसे कि गाइज मैं यहाँ पर ट्री वाला लगा देता हूँ। ट्री वाला लगाने के लिए सिंपल से मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के लिए कुछ इस तरीके से आपका इसका व्यू आपको नजर आएगा जो कि आपको क्लिक करने के बाद देख सकते हैं। सो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ उस वाले पर, देखते हैं किस तरीके का इसका व्यू आएगा हमारे वॉलपेपर लगाने के बाद। मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपल से। क्लिक करने के लिए गाइस अगर आप इसको क्लिक करना चाहते हैं, गाइस अगर आपको इसको अनलॉक करना है यानी कि इसको लगाना है तो सिंपल से अनलॉक पर क्लिक करना है। अनलॉक पर क्लिक करने के लिए डाउनलोड थीम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको प्रोसेसिंग चल रही होगी आप यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर डाउनलोडिंग थीम गाइस यहाँ पर 1% 2% हो रही है, मैं जब तक वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। गाइस फाइनली हमारी जो है डाउनलोड वो 100% कंप्लीट हो गया। मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के लिए मैं सिंपल से बैक करने के बाद यहाँ पर अनलॉक की जगह हमें अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिला। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, उसको अप्लाई पर फिर से क्लिक करेंगे। अप्लाई पर फिर से क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो वॉलपेपर है वो ऐड हो गया है और इस तरीके से आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। सो गाइज इस तरीके से हम अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हैं, तरह तरह के वॉलपेपर हम लगा सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि गाइज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बता देता हूँ आपको किस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करने है। गाइज उसके लिए सिंपल से आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको कूल वॉलपेपर लिखना है, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। गाइज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। आपसे कुछ परमिशन नहीं लेगा, यानी कि कुछ भी आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये एप्लीकेशन हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद कुछ एडवर्टाइजमेंट आएंगे, उसको यानी कट कर देने। कट करने के बाद यहाँ पर आप कुछ और भी लगा सकते हैं, यानी कि थीम लगाने के लिए अप्लाई थीम पर हम क्लिक करेंगे। थीम लगाने के लिए गाइज हम यहाँ पर कोई सी भी थीम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बर्निंग एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी थीम्स यहाँ पर आ रही है। कुछ भी आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं, जिस तरीके से वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे वॉलपेपर इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था, जो कि इस वीडियो में आपको बता दिया है। सो गाइज कैसा लगा वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज मिलते हैं वीडियो में ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।